महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली भगवान परशुराम की जन्मस्थली यमदग्निपुरम यानी जौनपुर में माँ शीतला धाम और माँ मैहर देवी का बहुत ही महत्व है। इस शारदीय नवरात्रि पर महामारी के सारे प्रतिबंध खत्म हो गए हैं। ऐसे में माँ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 26 सितंबर से हो रहा है। इस दौरान माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन के अनुसार माता अपने वाहन पर सवार होकर आती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कलश स्थापना के साथ पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की सवारी के बारे में विस्तार से बताया गया है, साथ ही इससे संबंधित एक श्लोक भी है। इससे आप यह जान सकते हैं कि किस दिन किस सवारी से माता धरती पर पधारती हैं। बता दें कि नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। वहीं बीच में 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, हवन, यज्ञ, जगराते और गरबा का आयोजन किया जाता है। हर तरफ लोग माँ शक्ति की भक्ति में लीन रहते हैं। मान्यता है कि माँ की पूजा एवं अर्चना मन से की जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल नवरात्रि 26 सितंबर को सुबह 3:24 से शुरू होगी। घट स्थापना का मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:20 से सुबह 10:19 तक रहेगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी को लेकर तिथि के हिसाब से अलग अलग सवारी तय है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि रविवार सोमवार से आरंभ हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनि मंगल को घोड़े पर, गुरु एवं शुक्र को डोली में और बुध को नाव में सवार होकर आती हैं। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। व्रत रखने वालों को इस साल विशेष लाभ होगा। दुर्गा माता हाथी पर चढ़ के आएगी और जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जैसा उनका भक्ति करेगा, उनका पूजा पाठ करेगा, वैसा माता रानी फल दे के जाएंगी। 9 दिन का व्रत कलश स्थापना की जाती है, व्रत रहा जाता है, सब देवी का गीत पचरा घर में गाते हैं, माता का पूजा करते हैं और माता का आरती करते हैं। उनकी भक्ति जितना जिसका शक्ति है, जितना जो पढ़ा लिखा है उतना माँ का भक्ति दोनों टाइम नहा धोकर सब करते हैं माता जी की भक्ति। अड़हुल के फूलवा खातिर रूसली भवानी फूलवा कहाँ से लाई, बगिया त गईले सब सूखाए फूलवा कहाँ से लाई। अड़हुल के फूलवा खातिर, अड़हुल के फूलवा खातिर रूसली भवानी फूलवा कहाँ से लाई, बगिया त गईले सब सूखाए फूलवा कहाँ से लाई। बेला चमेली मई के मन ही न भावे हो, बेला चमेली मई के मन ही न भावे, रतनार गुलाब सब बेकार फूलवा कहाँ से लाई, रतनार गुलाब सब बेकार फूलवा कहाँ से लाई। ऊँचे ऊँचे पर्वतवा मैया मारली असनवा, ऊँचे पर्वतवा मैया मारली असनवा, निहुरी निहुरी
दर्शन कर ला जहानवाली, मुरी निहुरी दर्शन कर ला जहानवा, हथवा उठा के दे आशीर्वाद, फूलवा कहाँ से लाई, हथवा उठा के दे आशीर्वाद, फूलवा कहाँ से लाई, बगिया त गईले सब सुखाए, फूलवा कहाँ से लाई। जय माता जी।